हेलो स्टूडेंट्स, वी विल रीड थर्ड चैप्टर ऑफ थर्ड क्लास। नाउंस नंबर, नाउंस नंबर के बारे में रीड करेंगे। देखो, नंबर टू टाइप होती हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर नंबर वो होता है जिसमें एक ही थिंग की बात हुई हो, एक ही व्यक्ति का नाम हो, एक ही किसी चीज़ का नेम हो, ठीक है, जिसमें एक ही नंबर होता है। किसी एक ही प्लेस की बात हुई हो, किसी एक एनिमल, एक थिंग की बात हुई हो, तो इसे हम सिंगुलर नंबर बोलेंगे। और प्लूरल नंबर में क्या होता है, उसके अपोजिट होता है, जिसमें एक से ज़्यादा पर्सन की बात हुई हो, एक से ज़्यादा बिल्डिंग की बात हुई हो, किसी प्लेस की हुई हो या किसी एनिमल के नेम की हुई हो, ठीक है, कोई भी, मतलब वो प्लूरल फॉर्म में आ जाएगा। फर्स्टली हम चलो डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। नाउंस टेल अबाउट द नंबर ऑफ थिंग्स दे नीड। जो नाउंस होती हैं वो हमें नंबर भी बताती हैं, ठीक है। नाउंस हैव टू नंबर्स, नाउंस के टू नंबर्स हैं, सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन। सिंगुलर में क्या होता है, नाउंस दैट रेफर टू वन पर्सन, जो नाउंस हमें रेफर करती हैं, वन पर्सन के बारे में बताती हैं, वन प्लेस के बारे में बताती हैं, जिसमें एक ही चीज़ होती है, चाहे वो एनिमल का एक ही नाम हो, चीज़ का एक ही नाम हो या एक पर्सन का नाम हो, तो वो सिंगुलर नाउन कहलाता है। और प्लूरल नाउन क्या होता है, उसमें मोर देन वन पर्सन, उसमें एक से ज़्यादा चीज़ें होती है, जिसमें पर्सन का नेम हो गया, पर्सन हो गए, प्लेस हो गया, एनिमल हो गए, थिंग हो गया, तो इस प्रकार के जो ज़्यादा होते हैं, जो उन्हें प्लूरल फॉर्म में हम रखते हैं, ठीक है। अब हम सिंगुलर सिंगुलर और प्लूरल की फॉर्म जो हैं कैसे फॉर्म करती हैं, कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। बिकॉज कई कई जगह पे तो हम सिर्फ वर्ड में एस जॉइन कर देते हैं, एस ऐड करते हैं, कहीं पे ई एस करते हैं, कहीं पे वाई को हटा के आई ई एस कर देते हैं, ठीक है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, इसके रूल्स होते हैं, तो वो रूल्स इस चैप्टर में हम देखेंगे। आपके थर्ड क्लास के अकॉर्डिंग रूल्स दिए होंगे, तो उतना ही हम देखेंगे जितना दिए हुए। और ओके, सिंगुलर देखो, फ्लावर सिंगुलर है और फ्लावर्स प्लूरल है, क्योंकि यहाँ पे थ्री हैं, ठीक है, यहाँ पे एक है। तो जैसे हमने रीड किया था अभी, सिंगुलर नाउन क्या है, जिसमें सिर्फ एक ही चीज़ हो, यहाँ पे फ्लावर नेम है, एक ही फ्लावर है, तो यहाँ पे हमने फ्लावर, यहाँ पे रिटर्न फ्लावर है, तो यहाँ पे फ्लावर्स है, एस लगा हुआ है, और यहाँ पे भी एक से ज़्यादा फ्लावर्स है, तो ये प्लूरल फॉर्म हो गया। उसी प्रकार फ्रॉग, यहाँ पे वन है ओनली और यहाँ पे थ्री है, तो ये ज़्यादा में है, तो प्लूरल फॉर्म हो गया और फ्रॉग्स एस लग गया, ठीक है। और उसी प्रकार बटरफ्लाई एंड बटरफ्लाइज। अब देखो, यहाँ पे वाई था, वाई को हटके आई ई एस लग गया, तो ये रूल्स के बारे में रीड करेंगे। ऑरेंज, ऑरेंजेस लग गया, ठीक है, ऑरेंजेस तो होना ही था, क्योंकि यहाँ पे एक था, यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो इसीलिए। अब देखो, चेंजिंग सिंगुलर नाउंस इनटू प्लूरल नाउंस। अब जो सिंगुलर नाउंस है उन्हें प्लूरल नाउंस में कैसे चेंज करते हैं, हम कैसे चेंज कर सकते हैं। वी कैन चेंज सिंगुलर नाउंस इनटू प्लूरल नाउंस इन मैनी वेज, इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। वी एड एस टू मोस्ट नाउंस टू फॉर्म देयर प्लूरल्स, उन्हें उनका जो प्लूरल बनाने के लिए एस यूज़ करते हैं ज़्यादातर। एंट का देखो, एंट्स हो गया, बुक का बुक्स हो गया, कैट का कैट्स हो गया, डॉग डॉग्स, एग एग्स, फैन फैंस, गॉड गॉड्स, हैन हैंस, किंग किंग्स, लॉयन लॉयन, ठीक है। तो एस हमने जब ऐड कर दिया तो ये सिंगुलर में हो गया। बट ये देखो, कहीं कहीं हम ई एस यूज़ करते हैं, वो क्यों करते हैं, वो देख लेते हैं। ये रूल है, देखो, जिस नाउन के एंड में, जिस नाउन के अंत में, लास्ट में एस हो या डबल एस हो, सी एच हो, एस एच हो या एक्स हो, तो उनके जो प्लूरल वर्ड्स हैं, ठीक है, उनके साथ हम लास्ट में, उनके साथ हम ई एस जोड़ते हैं, ठीक है। मतलब जिन नाउन्स के लास्ट में एस है, डबल एस है, सी एच है, एस एच है या एक्स है, तो उनके पीछे हम ई एस का यूज करते हैं, ठीक है। देखो, ऊपर वाले में ऐसा कुछ भी नहीं था,
ना ही तो किसी के नाउन के पीछे ओ था, न एस था, ना ही एस एच था, न सी एच था और ना ही एक्स था। तो इसीलिए यहाँ पे सिर्फ एस लगे हुए हैं। बट अगर अब हम इसमें देखेंगे तो हमारा जो रूल ये कहता है कि हमारे जिस जिस भी नाउन में नाउन के पीछे एंड में सी एच लगा हो, एस एच लगा हो, डबल एस हो, एक्स हो या फिर एस हो सिर्फ, तो उसमें क्या है, ई एस जब हम उसका प्लूरल बनाते हैं तो ई एस जोड़ देती हैं। ठीक है, तो अब देखो बेंच का बेंचेस हो गया इस प्रकार, सी एच है यहाँ पे, फिर ब्रांचेस हो गया यहाँ पे सी एच, फिर चर्च, फिर मैच का मैचेस, टॉर्च टॉर्चेस, वॉच वॉचेस, बस का बसेस, ऐसा आ गया ना। यहाँ पे डबल एस आ गया तो भी क्लासेस, तो इसी प्रकार ये वाला भी है, इसमें एस एच लगा हुआ है। बुश का बुशेस, डिश का हो गया डिशेस, एस एच फिर है ब्रशेस, एस एच विशेस, एस एच फ्लैशेस।